आप सबका स्वागत है जागरण फिल्म फेस्टिवल के इस तीसरे संस्करण में। फिल्म फेस्टिवल करने से एक जागृति पैदा होती है, जो लोग भूल गए हैं देखना या काफी वर्षों पहले उन्हें देखी होगी, उनको पुनः यहाँ देखने की इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से अवसर मिलता है। और जैसे कहा है तिवारी जी ने कि छोटा शहर है, बड़े मायनों में छोटा है लेकिन बड़े दिल वाला है और बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। समाज को दिशा देने का काम चलचित्र के माध्यम से होता है, वो दर्पण है। जमाई फसल है, राजी खुशी हमको लौटा दे। पटवारी के पट्टे पे जमीन हमारे नाम है, जमाता दिन को नगद गिन के दिया हमने। इनने अपने हिस्सा का बेचे थे। वो फिल्म ठुमरी पे है और जो पूरा फिल्म का जो जो उसकी जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से है कि आप उसे उसमें कहानी मत ढूंढिए उस तरह की। हालांकि वो सिद्धेश्वर जी की के जीवन के काफी बहुत ही प्रमुख हिस्सों से जुड़ी हुई है, माने इंसिडेंट्स जो उनके हुए थे उनके जीवन में, और उनका एक पूरी जर्नी है कि कहाँ से वो एक पहले ठुमरी को एक कोठे की गायकी थी, वो माने एक पेट्रन था उसके सामने ठुमरी गाई जाती थी, बाद में वो भक्ति मोड में आ गई थोड़ी बहुत, और उसके बाद वो भक्ति माने कोठे से निकल के राजवाड़ों से निकल के भक्ति से निकल के वो एक अपने आप में एक कला बन गई ठुमरी। और कुछ एक ऐसे कलाकार थे जैसे सिद्धेश्वरी जी जिन्होंने उसको वहां से ले जाकर एक इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म। कुछ साल पहले मेरी कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया से घूमने आई थी और मैंने उनका सारा इंतजाम घूमने का करा दिया था। आई मेट देम एट जयपुर। लेकिन हिंदुस्तान में जब से आगरा में उतरे, जब से दिल्ली में उतरे हैं और जयपुर तक पहुंचने में ज्यादातर मेल्स हम लोग को ऐसे क्यों देखते हैं, तो मैंने कहा ऐसे मतलब क्या। मैं समझ गया था क्या कहना चाहती है वो, पर फिर भी मैंने कहा उसके मुँह से सुन लूँ। वो कह रही ऐसे देखते हैं बस अगले मोमेंट में आई किस। तो मैंने कहा ये तो तुम बड़ी शरीफ बात बता रही हो, वो ये नहीं सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि अगले मिनट में यू विल बी इन बेड विद हिम। और ये सच है। तो कह लिया ऐसा क्यों सोचते हैं वो। मैंने कहा वो ऐसा इसलिए सोचते हैं उनका एक्सपोजर गोरी चमड़ी को सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों से है, जिसमें हर चौथे पांचवें सीन के बाद, और जो हॉलीवुड का सिनेमा जनरल लोग देखते हैं, अच्छा सिनेमा नहीं देखते हैं, माफ करिएगा आप लोग, हम लोग भी नहीं देखते क्योंकि रिलीज नहीं होता है। वो सिनेमा जो देखते हैं उसमें हर चौथे सीन में ये हो रहा होता है। लेकिन मैंने कहा ये पैराडॉक्स है, ये बड़ा विसंगति ये है कि जो देश हर चौथे सीन में नारी को इतना लिबरल दिखा रहा है कि अपनी वर्दी से वो सेक्स कर रही है, उस देश में आज तक तो कोई महिला प्रेसिडेंट बनी नहीं। अमेरिका इला जी आगे आए और इला जी खास करके जब भी इला जी की बात होगी तो एक और ऐसे सॉन्ग की भी बात जरूर होती है जिसने कि शायद इसको हम आइटम नंबर हमने बाद में कहना शुरू किया, उससे पूरा इतिहास उसका शायद वहां से शुरू होता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि उस गाने का भी आप जिक्र करें और बोली के पीछे क्या है गाने को, और उसकी जिस तरह की रीडिंग इलाज की वो भी बड़ी डिफरेंट रीडिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। इससे पहले कि हम डर्टी पिक्चर या चोली के पीछे बढ़े, मैं एक सीधे साधे शब्दों में बात ये कहूंगी मीता कि कला को जब कोई पढ़ा लिखा आदमी, अंजलि एला मैनन और बहुत सारी ऐसी पेंटर्स हैं जो खुद को निर्वस्त्र पेंट करती हैं, फिर उसका डिफेंस ये होता है कि आप समझते नहीं कि औरत क्या है। सवाल ये है कि मणिकौल ने कैसे इंटरप्रेट किया सिद्धेश्वरी बाई की ठुमरी को, या आपने कहा कि इट इज जस्ट लाइक पेंटिंग।